अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा कवि रास प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से है। मैं चाह रहा था कि लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से आपको एक डिटेल में उसका जो डेवलपमेंट स्टेटस है वो आपके साथ शेयर किया जाए, और कौन से प्लॉट साइजेस हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनती है लाहौर स्मार्ट सिटी में, लाहौर स्मार्ट सिटी का कमर्शियल कब आएगा, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले मेरी तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल रास प्रॉपर्टीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट जो है वो टाइमली मिल सके। तो लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो मैं चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि लाहौर स्मार्ट सिटी में लोग जिन्होंने लास्ट अगस्त में बुकिंग करवाई थी और अभी तक वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक इंस्टॉलमेंट्स स्टार्ट नहीं की, तो इन दोनों के लिए मेरे पास जो है वो न्यूज़ है कि लाहौर स्मार्ट सिटी अपनी डेवलपमेंट के मराहल से गुज़र रहा है और बहुत स्पीडली डेवलपमेंट वहाँ पे लाहौर स्मार्ट सिटी में हो रही है। और काफ़ी सारे लोग हमसे पूछते हैं कि जी हम इंस्टॉलमेंट्स दें ना दें, या हम दे रहे हैं तो हमें बैलेटिंग कब होगी। तो बैलेटिंग जो लाहौर स्मार्ट सिटी की एक्सपेक्टेड है वो इस ईयर एंड पे, यानी कि नवंबर दिसंबर या इस साल के लास्ट क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है। और बैलेटिंग के अंदर ये जहन में रखें कि वही लोग शामिल हो सकेंगे जिन लोगों ने लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर प्लॉट्स बाई किए हुए हैं, बेशक वो किसी भी रेट के ऊपर हों। चाहे वो फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मरला की अगर हम बात करें, 5 मरला में अगर उन्होंने लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर प्लॉट बाई किया था 18 या 19 लाख वाले पे, या 21 लाख 60 हज़ार या 22 लाख 80 हज़ार वाले पे, या उससे ऊपर के रेट के ऊपर बाई किया था, तो लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि हमें शायद हमने क्योंकि पहले बाई नहीं किया तो हमें बाद में बैलेटिंग में शामिल होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जब बैलेटिंग आने वाली होगी उससे महीना डेढ़ पहले सोसाइटी की मैनेजमेंट एक क्राइटेरिया अनाउंस करेगी जो तकरीबन 50% के अराउंड होगा, कि 50% पेमेंट कंप्लीट करने वाले जितने भी तमाम लोग हैं जिन्होंने प्लॉट्स बाय किए हुए हैं रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस ब्रैकेट के, उन्होंने किस प्राइस ब्रैकेट में उनको अपने 5 मरला के प्लॉट को या 10 मरला या कनाल के प्लॉट को बाय किया है, वो जो भी उस क्राइटेरिया को मीट करेगा, चाहे वो 21-60 वाला कर ले चाहे 18 वाले लोग कर ले, वो बैलेटिंग के अंदर शामिल हो जाएगा। और बैलेटिंग के अंदर जो भी लोग शामिल होंगे उनको डेफिनेटली बैलेटिंग के बाद तकरीबन साल सवा साल के अरसे के अंदर पोजेशन भी हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो अगर हम ये कैलकुलेट करें आज से टाइम, तो तकरीबन ये 2 साल का टाइम बनता है। 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर जहाँ पे लोग प्लॉट बाय कर चुके हैं, इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, तो उनको पोजेशन मिल जाएगा। और पोजेशन सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलेगा जिसकी बैलेटिंग हुई भी होगी, और उन लोगों की बैलेटिंग होगी जो इंस्टॉलमेंट्स अपनी टाइमली पे कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल 5 मरला 10 मरला के हवाले से आपको मैंने कनाल के हवाले से बता दिया है कि जो लोग इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं और क्राइटेरिया को मीट करेंगे बैलेटिंग के, और वो जो अनाउंसमेंट होगी उस क्राइटेरिया को मीट करेंगे, उनको जो है वो उनके प्लॉट्स जो हैं वो बैलेटिंग में जाएंगे। बाकी बेशक उन्होंने 18 वाला लिया हो, 19 वाला लिया हो, और उन्होंने अगर 10% या 20% पे अपने प्लॉट रखे हुए हैं, एक तो ये कि चांसेस अब आगे बढ़ रहे हैं कि वो कैंसिलेशन की तरफ जाएंगे, और दूसरा ये है कि या तो वो ब्लॉक हो जाएंगे, और तीसरा वो बैलेटिंग के अंदर हरगिज़ शामिल नहीं होंगे। तो अपनी इंस्टॉलमेंट्स को अप टू डेट रखें। और दूसरा कमर्शियल के हवाले से मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाह रहा था कि मार्केट के अंदर इस टाइम लोग कमर्शियल का वेट कर रहे हैं कि जी 90% हमें जो कॉल्स हैं वो कमर्शियल की आती हैं कि जी कमर्शियल कब आ रहा है। तो कमर्शियल का आप ये जहन में रखें कि ठीक 2 महीने का टाइम अभी है कमर्शियल के लॉन्च होने में। ईद से पहले तो हरगिज़ नहीं आ रहा, ईद के भी कोई 15-20 दिन बाद या महीने बाद जाके शायद कमर्शियल आएगा। कमर्शियल अनसर्टेन है, और कमर्शियल की प्राइस भी जो है वो अभी अनाउंस नहीं हुई। एक स्पेकुलेशन है मार्केट के अंदर कि जी वो 90 लाख से लेके 1 करोड़ के दरमियान होगा। तो ये जब आएगा तब तमाम कन्फ्यूजन्स जो हैं वो दूर हो जाएंगी। अभी कोई कुछ भी ये नहीं दावा कर सकता कि जी कमर्शियल 15 दिन बाद आ रहा है या महीने बाद। ईद से पहले तो हरगिज़ नहीं आ रहा, उसके कोई बहुत जल्दी भी आया तो 20-25 दिन बाद ईद के जो है वो शायद आए।
तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर रेजिडेंशियल में, इस टाइम जो लाहौर स्मार्ट सिटी में सबसे फर्स्ट रेट के ऊपर फ्रेश बुकिंग 10% से अवेलेबिलिटी अगर किसी रेट की है तो वो 7 मरला और 12 मरला के प्लॉट्स की है। जैसा कि आपको मालूम है कि 5 मरला 10 मरला कनाल के जो रेट्स हैं वो सेकेंड और थर्ड स्टेज के ऊपर हैं, और जो 7 मरला और 12 मरला हैं वो फर्स्ट रेट के ऊपर हैं। तो जो लोग फर्स्ट रेट के ऊपर, चाहे वो कोई भी प्लॉट साइज़ हो, फर्स्ट रेट के ऊपर अगर बाई कर लेते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड और थर्ड रेट। तो जितनी आपने बाइंग सस्ती की हुई होगी उतनी ज़्यादा आपके लिए आगे वो चीज़ प्रॉफिटेबल होगी। फॉर इंस्टेंस 5 मरले का अगर प्लॉट है और वो बैलेटिंग के बाद और पोजेशन के बाद 30 to 35 लाख के ब्रैकेट के अंदर जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो फॉल करेगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल वो लोग रह जाएंगे जिन्होंने 18 और 19 लाख के लिए थे, और जिन्होंने 21 और 22 80 वाले लिए वो उससे थोड़ा कम हो जाएंगे, और 25 वाले आप देख लेंगे अगर 30 लाख रुपीज़ भी अगर प्रॉफिट लगाया जाए तो जिसने 25 लाख का प्लॉट बाय किया तो उसको 5 लाख रुपए प्रॉफिट मिलेगा, और इसी तरह अगर किसी ने वही प्लॉट 19 लाख रुपए का लिया हुआ है तो उसको 11 लाख रुपए प्रॉफिट होगा। तो ये ओवरऑल चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। जो चीज़ आपने फर्स्ट रेट पे बाई की होगी, जो प्लॉट साइज़ आपने फर्स्ट रेट पे बाई किया होगा वो उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा आने वाले टाइम में। कोई भी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म नहीं होती, शॉर्ट टर्म जो है वो आपके नसीब अगर हैं तो उसमें आपकी जो है वो लॉटरी तो लग सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म होती है। एटलीस्ट आपने जो भी चीज़ बाय करनी है वो आपने साल डेढ़ दो का जहन में कम से कम रख के आपने ये बाय करनी है, क्योंकि साल डेढ़ दो का फिगर मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि बैलेटिंग हो चुकी होगी, आपकी फाइल को प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नंबर, सेक्टर नंबर एलोकेट हो चुके होंगे। तो जब वो चीज़ें आपके प्लॉट को जो एक बूस्टअप देंगी वो आपके इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा रिटर्न आएगा। तो लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म की बुकिंग के हवाले से मालूमात चाहिए तो आप हमारे ऊपर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको पूरा अकोमोडेट करेंगे, इंफॉर्मेशन आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। हमजा कभी को इजाज़त दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो उसको शेयर कीजिएगा और बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।